नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडियलिस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटरलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज acquiring more wealthy than needs। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से।
He is son of a wealthy landlord, but has left his father's house because of philosophical differences. और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के. He works as a part-time writer for a living. और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए. ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ऑनर. और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ऑनर के बेटी भी हैं. हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक. और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं. गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड. और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से. एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं. अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली. और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना. फाइनेंशियली इंसुलटली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह. और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं. सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड. गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम. अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस. तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ. तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नमस्कार. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे. तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं.
दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा MA स्टूडेंट इज इन एडियलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली, और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह, और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेस मैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन MA स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसोल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेस मैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडियलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सून ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन MA स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज acquiring more wealthy than needs। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सून ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेस मैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज डेट की तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा MA स्टूडेंट इज इन एडियलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसुल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज़ इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल, ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लूथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज़ क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसोल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा MA स्टूडेंट इज इन एडियलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रांगली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंडलॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसुलटली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन MA स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज acquiring more wealthy than needs। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। He is son of a wealthy landlord but has left his father's house because of philosophical differences। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। He works as a part-time writer for a living। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। He finds an admirer in गीतांजलि गुप्ता
हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसुल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेस मैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसोल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा MA स्टूडेंट इज इन एडियलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक MA स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसोल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेस मैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उनके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलेस्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता, हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से, एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे।
तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म यूट्यूब पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वो मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज हुआ था। अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं, तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडिलास्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज acquiring more wealthy than needs। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है, जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंडलॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता।
हिज़ क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है, जो पहले उनके क्लासमेट होते थे और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले, जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज्ड लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक, लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको साथ साथ फिल्म YouTube पे फ्री में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार जो है वह मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिसे दोस्तों सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और इस फिल्म की याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साथ साथ फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, जिसका दोस्तों अगर लेखक और डायरेक्शन की बात की जाए तो रमन कुमार ने किया है, और इसका दोस्तों जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के वह दिलीप धवन है। इसमें दोस्तों मुख्य कलाकार के तौर पे फारूक शेख हैं, और दोस्तों उसके साथ में दीप्ति नवल ने दोस्तों लीड रोल में काम किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीज़ डेट की, तो यह 4 मार्च 1982 को यह फिल्म रिलीज़ हुआ था।
अगर हम दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो अविनाश वर्मा एन एमए स्टूडेंट इज इन एडियलास्टिक यंग मैन विथ सोशलिस्ट व्यू एंड एस्टर्न प्रिंसिपल। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ जेनरेशन एंड स्ट्रॉन्गली अपोज अक्वायरिंग मोर वेल्थी देन नीड्स। यानी कि दोस्तों इसमें जो अविनाश वर्मा होता है वह एक एमए स्टूडेंट होता है, साथ में एक बहुत ही एडोलेस्टिक यंग मैन होता है जिसका दोस्तों जो सोशलिस्ट है उनको व्यू जो है उनका बहुत एक तरीका होता है देखने का, और वह कभी यह नहीं दोस्तों सोचते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा होता है नीड से, ज़रूरत से। ही इज सोन ऑफ अ वेल्थी लैंड लॉर्ड बट हैज़ लेफ्ट हिज फादर्स हाउस बिकॉज ऑफ फिलोसफल डिफरेंसेस। और दोस्तों उनका अपने पिता के साथ नहीं बनता है, और उनका जो दोस्तों अच्छा खासा वो पैसे वाले फादर होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सिर्फ उनके जो फिलोसफर होते हैं सोच होता है उनमें जो दोस्तों डिफरेंस है उनको लेकर के। ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम राइटर फॉर अ लिविंग। और दोस्तों उसके बाद जब अविनाश वर्मा घर से बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो वह पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है राइटिंग का, अपनी जीवन यापन करने के लिए। ही फाइंड्स एंड एडमायर इन गीतांजलि गुप्ता हिज क्लासमेट एंड डॉटर ऑफ टेक्सटाइल मिल ओनर। और दोस्तों इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन गीतांजलि गुप्ता से होता है जो पहले उनके क्लासमेट होते थे, और दोस्तों वह एक टेक्सटाइल मिल ओनर के बेटी भी हैं। हु फॉल्स इन लव विथ हिम फॉर आउटलुक। और दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गीता ऑल्सो लीव्स हर फादर्स हाउस एंड दे गेट मैरिड। और दोस्तों इसी सिलसिले में जो गीता है वह भी दोस्तों घर छोड़ देते हैं और वह शादी कर लेते हैं अविनाश से एंड आर सून एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। और दोस्तों वह एक बच्चा चाहते रहते हैं। अविनाश फाइंड अ डिफिकल्ट टू मैनेज हिज एक्सपेंडेड फैमिली। और दोस्तों जो अविनाश है वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना और मैनेज करना। फाइनेंशियली इंसल्टली फोर्सली हिम टू ज्वाइन अ पब्लिशिंग हाउस ओन्ड बाय हिज क्लासमेट सतीश शाह। और दोस्तों जो इसमें नीना गुप्ता होते हैं वह चाहते हैं कि अविनाश जो है दोस्तों एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर ले जिसका दोस्तों उसी के क्लासमेट सतीश शाह जिसके ओनर होते हैं। सून ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन टू रस्टलेस बिजनेसमैन एंड ट्रीटेड अ पाथ ऑफ वन लोथर्ड। गीता इज सरप्राइज लुकिंग एट हिज चेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड टू लीव हिम। अविनाश रियलाइज हिज मिस्टेक लीव्स हिज जॉब एंड ज्वाइन हिज एक्स प्रोफेसर चौधरीज पब्लिशिंग हाउस। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।